बनाने जा रहे हैं मलाई रोल, तो आइए शुरुआत करते हैं। मलाई रोल बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध। ये मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइसेस, इनके मैंने एजेस को काट लिया है। 1 बोल मिल्क पाउडर, 2 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर, 1 बोल मलाई, 50 ग्राम शक्कर, कटे हुए पिस्ते, बारीक कटे हुए बादाम, इलायची पाउडर और कुछ केसर स्ट्रिंग्स। आइए मलाई रोल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसका दूध तैयार करना पड़ेगा। दूध हमारा थोड़ा गर्म हो गया है, अब हम थोड़ा सा दूध केसर में डाल देते हैं जिससे केसर का कलर अच्छे से आ जाए। ये देखिए दूध हमारा बॉईल हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे शुगर। और अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे केसर का दूध जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हमें 10 मिनट तक दूध को इसी तरह बॉईल होने देना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, रबड़ी की तरह। 10 मिनट हो चुके हैं और केसर दूध भी बनकर तैयार है। ये देखिए हमने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आइए अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसके लिए मैंने ली है कढ़ाई। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इलायची, 1 चम्मच शक्कर, नारियल पाउडर। अब हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर और इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे हमें बहुत ही अच्छे से मिलाना है, इसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए एक भी। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। ये मलाई रोल की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे आधा घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। आइए अब रोल बनाना शुरू करते हैं। अब हम बोर्ड पर एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसे बेलन से बेलेंगे। अब हम इस मिक्सर को हाथों पर लेंगे और एक अच्छा सा रोल बना लेंगे। देखिए इस तरह से रोल बनाना है। ब्रेड पर इस तरह से रखेंगे और ब्रेड का बहुत ही ध्यान से इस तरह से एक रोल बनाएंगे। इसके कॉर्नर्स पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे अच्छे से दबाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको रोल बनाने हैं। अब हमें सभी रोल्स को इसी तरह बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमने सारे रोल्स बना लिए हैं। अब हम इस पर डालेंगे केसर का दूध। अब हम इस पर डालेंगे पिस्ते। ये देखिए मलाई रोल बनकर तैयार है।
अब हम इस पर रखते हैं एक तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।